शहर में संपन्न हुई आज नगर परिषद की प्रथम बैठक काफी हंगामेदार रही। यहाँ बैठक में कांग्रेस एवं पार्षद एवं भाजपा पार्षद बैठते बचे, वहीं यहाँ पर काफी हंगामे के दौरान आपाधापी की स्थिति रही। यहाँ पर भाजपा पार्षदों ने सुअर मुक्त अभियान को लेकर बोर्ड मीटिंग में अपना समर्थन दिया, वहीं कांग्रेस पार्षदों ने वॉकआउट करते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया। यहाँ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आयुक्त भी कई बार मीटिंग छोड़कर जाने की स्थिति में रहे, वहीं इन्हें पुनः बिठाकर और इन्होंने समझाइश भी की और अंत में प्रस्ताव पारित कर और प्रतापगढ़ शहर को सूर्यमुख करने के लिए प्रस्ताव लिया गया और इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बैठक काफी हंगामेदार रही है और इसकी शहर भर में फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। इसी घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर भाजपा पार्षदों सहित यहाँ पर आयुक्त ने मीडिया कर्मियों को भी बाहर निकलने की कहा, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में भी रोष देखा गया और अंततः ये मीटिंग संपन्न हुई। देने एवं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक भेजा। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव शहर के विकास में जितने भी मामले आएंगे हम सब मिलकर काम करेंगे। विश्वास दिलाती हूँ कि शहर के विकास में कभी भी राजनीति अड़ेंगे नहीं आएंगे। मेरे लिए 40 वार्डों में बिना किसी भेदभाव शहर विकास में आपका सभी समर्थन एवं विश्वास चाहती हूँ। जैसा कि मैंने संकल्प लिया था उस पर आज भी कायम हूँ। जनहित में आकर्षक कार्यों को करने के लिए नित नगर परिषद आ रही हूँ, लेकिन आप सब के सहयोग से शहर की मुख्य समस्याओं से जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगी। आज भी हम सब मिलकर शहर की इस मुख्य समस्या से निजात दिलाने का संकल्प ले। मैं पुनः आप सभी का इस बोर्ड की प्रथम बैठक में उपस्थित होने का सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप और हम मिलकर आगामी 5 साल में शहर की जनता के सपने साकार करने का एक ही मत होकर कार्य करने का प्रयास करें। के मन में ये विचार हो कि प्रतापगढ़ शहर सुअर मुक्त ना हो तो आप खुलकर कह सकते हो और इसमें इन सबकी भागीदारी चाहिए। हम 21 लोगों ने हमारी भागीदारी तो है। अरे 21 लोगों ने
सुबह क्या होगा भले क्या होगी अन्य का क्या मतलब हुआ? और एजेंडे के बाद आप भी
सभापति उनके ले सकते हैं। आयुक्त साहब लेकिन नोट डाउन करिया बिंदु पे कांग्रेस डिसीजन ये 19 है, हम 21 है, हम 21 है, हमारा मसला पारित होना चाहिए। हम 19 जो भी बात ये वापस से रिवाइज किया हुआ एजेंडा है। हम घर की बात करने आए हैं।
चार बुद्धि नौ बुद्धि में चर्चा होगी। Oh,
सुबह
वार्ड में हमारे 21 वार्ड में लिखो ना आप इसको। अच्छा लिखते क्यों नहीं आप उसको जो मोहम्मद कह रहा है वो कार्य आपको करना पड़ेगा, यही नियम है। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो बजट बैठक में क्या इस मुद्दे पे चर्चा होती है कि नहीं होती है? तो ऐसा नियम है आपके पास? ये रहा मेरे पास नियम, आप बताओ नियम। हाँ बताओ नियम। कौन रोक सकता है? आप बताओ सामने। बजट बैठक में आप नीचे की प्रोसीडिंग की वो मंगाए रजिस्टर, हर बार साल करके कितने सारे पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। मसला हुआ बोले साइन इसके ऊपर, साइन तो आपके ही ना, साइन किसकी? अरे इसको छोड़ा, हर एक बजट बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। तो आप इस प्रतापगढ़ के लोगों को विकास अवरुद्ध क्यों कर रहे हो? शादी में क्यों डाल रहे हैं? इस बात का जवाब दो। आप परेशान में क्यों डाल रहे हैं? आप परेशान में ये सुअर को क्यों, सुअर से गंदगी फैल रही है? सर सुअर गंदगी फैल रही है। हम बहुमत जो कह रहे हैं वो बजट बैठक में चर्चा करो।
आपने सत्ता के दबाव में काम कर रहे हो। अरे साइन तो जो भाषण है वो वही है। वो नहीं पास आया हमने एमपी अंदर ने सब बंद मुझे। अरे एक बार बात करो। बहुमत से जो पारित किया गया बहुमत से इस प्रस्ताव को लिया गया बहुमत में 75% चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी बात क्यों बात का प्रस्ताव क्यों नहीं ले रहे हैं लेकिन पहले बजट बैठक तो रखें बजट वाले मुद्दे पे तो चर्चा तो बजट समस्या समस्या तो है ना समस्या लिखी जाती है पॉजिटिव की जाती है उसके बाद उसके बाद किया जाता है लेकिन आप किसी तरह की समस्या नहीं सुन रहे हैं और समस्या किसी की नहीं सुन रहे हैं और समस्या का निदान सर नगर परिषद में आइल डलाने के लिए सभापति अपना निजी खर्च से पैसा दे रहा है तो आप कहाँ प्रस्ताव ले रहे हो आप बता दो आपने आपने ऑयल सर गाड़ी गाड़ी खराब है ऑयल हमारे यहाँ से भरा जाता है सर सभापति का
नहीं नहीं गाड़ी का नहीं, सफाई गाड़ी का, सफाई गाड़ी का, एक गाड़ी खराब पड़ी हुई, एक में सफाई गाड़ी में पैसा। सर ये आपको पिछले 5 साल का बता रहे हैं कि बजट बैठक के इसमें बैठक के अंदर और मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो आप उसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? तो वो चर्चा लास्ट में होते हैं, ये पहले में पहले ये नियम का है, सर नियम बता दीजिए, ये नियम कब से लागू हुआ? सर ये नियम कब से लागू हुआ? पहले तो मूल बैठक है, ये बजट की है। सर ये नियम कब लागू हुआ, आप तो नियम बता दीजिए ना। लास्ट में जो है वो सर आप नियम नियम अधिनियम और नियम की धारा बता दीजिए, कौन सी धारा के तहत आप नहीं कर रहे हैं? लिखा हुआ है ये जो आप बता रहे हैं, क्या समस्या का प्रोसीडिंग, किसी भी समस्या की प्रोसीडिंग पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसका निराकरण किया जाता है बैठक में। आप मीटिंग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? आप मीटिंग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप मीटिंग के एजेंडे को छोड़ के बार बार फोन कॉल को अटेंड कर रहे हैं, क्या माना जाए? फोन किसके, फोन सर फोन कॉल अटेंड कर रहा है आप मीटिंग में, आप साइलेंट रखने की जगह बार बार आपके हर 5 मिनट में फोन आ रहे हैं, तो सर आप मीटिंग में आए हैं या फोन पे बात करनी है? सुनिए फोन घरेलू आ रहे हैं, तो सर आप मीटिंग में घरेलू काम करेंगे? सर आप मीटिंग में घरेलू काम करेंगे? सत्तापक्ष का आरोप है कि आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। बोर्ड बैठक में आयुक्त की अहम भूमिका होती है, और ऐसे में आप बैठक छोड़कर जा रहे हैं, और जो आज पूरी 50,000 शहर की जनता इस नगर परिषद से उम्मीद रखती है, और उनके हितों के लिए अगर कोई मुद्दे हो रहे हैं और उस पर कोई चर्चा हो रही है, तो उस पर आप डिसीजन लेने की बजाय उनको नकारते हुए यहाँ से उठकर जा रहे हैं, क्या माना जाए? चलो अभी तक आपने कुछ किया क्या, शोरमुक्त का जो भी चल रहा है, अभी तक आपने क्या किया इसमें, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की आपकी तरफ से? मालिक को नोटिस दिए हुए हैं और वो रोज पकड़ के सूचना। इस बैठक को चलते हुए प्रोसीडिंग में क्या लिखा गया है? कांग्रेस ने अपनी बात रखकर मीटिंग का बहिष्कार कर दिया कि आपने वो नोट किया है, वो लिखा है आपने प्रोसीडिंग में, बताएं आप। यहाँ पे जो सोच रहा है उसमें लिख नहीं पा रहे घंटे की बैठक में, प्रोसीडिंग पूरी नहीं की गई अभी तक। आपकी जो बोर्ड बैठक जो चालू हुई, इसके अंदर अभी तक कौन सी समस्या को आपकी प्रोसीडिंग बुक में लिखा गया है, कौन सी समस्या लिखी गई है बताओ? तो आपने यहाँ पे किसी लिपि को रीडर को रखा गया है, तो वो क्या कर रहा था इस दरमियान? बाद में सर मीटिंग नहीं होता, सर मीटिंग नहीं होता, ये कौन से नियम के अनुसार आप बाद में लिखने की बात कर रहे हैं? जो हो रहा है वो सब चर्चित है, वो लिखा जा रहा है, लेकिन आप लोग माहौल ऐसे ऐसा वहाँ चढ़ के इसको लिख पाएगा लीडर किस काम का लिखने वाला? पर आप लोग मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हो सर, पर जाने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? यदि आप मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तो इन लोगों को समझना पड़ेगा, शांति से बात की जाए। तो शांति से कर रहे हैं, चलो तो वो लोग मीटिंग में आएंगे ना सर, आप कहां उनको समझाने जा रहे हो? सारे मुद्दे आपने सभी से शांतिपूर्ण बैठने की बात कही क्या? आपने हमारे कहने के बाद भी आपने सबसे कही सभापति मोहम्मद की बात कही है, क्या है क्या इसमें सर कांग्रेस के पार्षद कोई विशेष प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें 75 की जरूरत है, तो ऐसे में क्या होगा सर? यहाँ 100% अभी पूरी है, 75 नहीं अभी 100 है, अभी यहाँ पे 100% बहुमत है, तो वो तो बाइकट कर गए ना, तो अभी तो यहाँ पे पार्षद है जो मीडिया में नहीं है, सत्ता पक्ष से प्रतिशत जो है यहाँ होना चाहिए, कहाँ कौन सा नियम है? बैठो शांति से बैठो। स्वागत श्रीमान कमिश्नर महोदय द्वारा किया गया बजट
2021-22 सत्तावन करोड़ 77 लाख का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। सुअर मुक्त कराने के लिए सभापति महोदय द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, जिसमें 21 पार्षदों का समर्थन व 18 पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय द्वारा 2 दिन में सुअर पकड़ने के लिए टेंडर निकालने की बात कही, इसे प्रस्ताव में पारित किया गया। कल से नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा सुअर पकड़ने के लिए ऐसा सभापति महोदय द्वारा बैठक में सदस्यों को बताया तथा निर्णय 21 पार्षदों की मौजूदगी में लिया गया। धन्यवाद। 2 दिन में टेंडर निकालेंगे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार मीटिंग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सभापति बैठी हुई है अभी, इसका कोई कारण तो होगा, एक ठोस कारण, मतलब ऐसा कोई ठोस कारण तो होगा सर। आप करीब 3 से 4 बार उठ उठ के जा चुके हैं सर, आप करीब 3 से 4 बार इस मीटिंग को छोड़ छोड़ के उठ के जा चुके हैं, इसके पीछे मेन कोई ठोस कारण क्या? प्रतापगढ़ शहर में कोई बड़ी घटना हुई है क्या? समझ।